तो यार बहुत बोल तुम्हारे समीर के लक्की नेक्स्ट एपिसोड है भाई, तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे फोर्ड ब्रोंको और क्या बात है अंश चौधरी। अंश चौधरी भाई क्या हाल चाल है? यार अंश भाई ने ना मुझे ये मान लो कल कल ही मैसेज किया था है ना फोटो के साथ ब्रोंको इसी ब्रोंको की। भाई मैंने भाई को बताया नहीं, फर्स्ट टाइम ना आपने मुझे फोटो भेजी, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई जिमनी तो नहीं, इसमें ब्रोंको किट लगी हुई है नहीं लगता है ना, क्योंकि ब्रोंको कहाँ अवेलेबल इंडिया में, और ये जो ब्रोंको है ये भी इंडिया की नहीं है ठीक है, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं ओनली ब्रोंको इन इंडिया ठीक है, ओनली ब्रोंको। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने मतलब उधर से खरीद रखी है ऐसे, आई डोंट नो गाइस, पर ब्रोंको कहाँ है इंडिया में यार, बहुत रेयरस्ट ऑफ रेयर लोग होंगे जिन्होंने ला भी रखी होगी। बाय रोड तो कोई लाया नहीं है, इकलौती कोई खरीद के लेके आया हो तो खरीद के नहीं, खरीद के भी ला सकते हैं, कार रेंट करवा सकते हैं 6 महीने के लिए, ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया, साउथ वालों फुल रिस्पेक्ट, क्या पता तुम्हारे में कोई ऐसा केस हो हमें नहीं पता गाइस। लेकिन भाई यहाँ पे जरा अच्छे से लोगों को स्टार्टिंग में दिखाते हैं कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप वन सेकेंड गाइस। मुझे लग रहा है आजकल ना ये एक ट्रेंड चालू हो गया है ना इंटरनेशनल ट्रैवल का, यस है ना, इंडिया से कनाडा, यूएस जा रहा, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने भाई अनमोल भाई है वो भी गए हैं, बिग अप टू अनमोल भाई ठीक है। लेकिन भाई ये ट्रेंड जो है आजकल कुछ ज्यादा नहीं चल रहा आपसे? ज्यादा चल रहा है काफी, मतलब ये कॉमन, जैसे देखे क्या होता है फर्स्ट टाइम जाता है ना वो थोड़ा डरता है कि जर्नी कैसी रहेगी, कैसे सब कुछ रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे ना लोगों को मोटिवेशन मिलती जा रही है कि ये जा रहे हैं हम भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है यार ये जो ट्रैवल है ना ये पहले भी काफी चलते रहता होगा ऐसे, लेकिन यूट्यूब की वजह से थोड़ा फेमस हो गया, और सोशल मीडिया में जैसे लोगों को नॉलेज नहीं थी, अब थोड़ा सोशली पता चल रहा है लोगों की, हाँ लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बट इस ट्रैवल की ना एक अलग खास बात है कि जो मिस्टर सानी है उन्होंने सोलो ट्रैवल किया है। अच्छा जी, मतलब सोलो दो बंदे चार बंदे तो सब जगह ट्रैवल करते हैं, सोलो ट्रैवल करना आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है। भाई ने इसे नाम लिया सानी, तो मैं भाई का यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ जिनकी गाड़ी है ये सहानी फैमिली, पूरा इंस्टा से लेकर यूट्यूब टिकटॉक चलो उधर है इधर तो नहीं है लेकिन तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अच्छा तो जैसे फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि यार ऐसी कोई गाड़ी जब बाहर से आई है ओनर नहीं है अपने साथ, अंश भाई है, क्योंकि अंश भाई पे ऑटो आईडी कस्टम पे गाड़ी आई है पीपीएफ के लिए ठीक है। क्या बात है, कनाडा का लिंक है? हाँ ये बात तो मतलब पूछने वाली है, कनाडा से बंदा मतलब इंडिया आके पैरिस में हुआ था शायद, नहीं नहीं जैसे ईरान में थोड़ा और बीच में कई देश ऐसे आते हैं जहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह का भी उन्होंने एंजॉय लिया, तो जब हाईवे पे गाड़ी चल रही तो स्टोन चिप्स गाड़ी पे बोन पे लग गई। अच्छा अभी हमने कवर कर दिया है, पीपीएफ कर दिया है, जैसे विंडशील्ड भी देख पा रहा हूँ मैं। हाँ वो तो हुआ ही है यहाँ पे मार्क्स है स्टोन चिप्स के। अच्छा जी, अब हमने इसे पीपीएफ करके उसको हाइड कर दिया है, और जो इन फ्यूचर भी ये सेफ होगी गाड़ी, कितना ही स्टोन चिप्स कितना ही मैक्सिमम बड़ा हो गाड़ी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी डैमेज नहीं होगी गाड़ी में, मतलब निशान नहीं आएगा, बाकी ऑफ कोर्स अगर हैवी है तो फिर डैमेज तो डेंट तो पड़ेगा, लेकिन हाँ स्क्रैच के लिए वो होगा जैसे कोई स्टोन चिप लग गई, पत्थर लग गया, उससे बचा हो जाएगा। ओंटारियो का मैं यहाँ पे नंबर प्लेट देख रहा हूँ, ये कैसे कॉन्टैक्ट हुआ आपका जरा इनसे ये भी बताएं साथ साथ, एंड फिर जितना आपको मैप कर बताया मैं भी दिखाऊंगा मैप कहते कहते क्या है, कैसे कॉन्टैक्ट हुआ आपका, और कुछ स्टोरीज बताई उन्होंने आपको? हाँ स्टोरीज उन्होंने काफी बताई, काफी डिस्टर्ब स्टोरी थी ये, अपना टोरंटो से जब निकले तो इन्होंने यहाँ पे हैलिफैक्स से इसको शिप में भिजवाया, ओके तो ये बाय वाटर बाय सी आई है, यहाँ पे इन्होंने गाड़ी को शिप से वापसी लिया, अटलांटिक ओशन से आई है पूरा, उसके बाद ये बाय रोड प्रॉपर लेके आए हैं, जैसे कि जो इनकी जर्नी थी यहाँ पे ईरान में वो काफी हैक्टिक थी, काफी मतलब अनकंफर्टेबल जोन था, अननोन जोन था, तो काफी इनको समस्याएं काफी चैलेंजेस इनके सामने आए। अच्छा तो हाँ बस मतलब पूरे ट्रिप में ईरान में ही थोड़ा सा रहा है, ईरान में थोड़ा रहा, पर यार मेरे को जैसे अनमोल भाई अपने जो आपको मैंने बताया भी था जो टूर मार के आए हैं भाई अपना, तो वो तो मतलब कह रहा था ईरान में कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, उसका तो चल था एकदम, अलग अलग पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हो सकता है कि वो किस रूट से आए, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली ट्रैवल करो, एक आप कहीं एमपी के जंगलों में चले जाओ या कहीं और बांग्लादेश की साइड चले जाओ, आसाम में चले जाओ, तो डिपेंड करता है किस सिटी से आप ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है फर्क तो पड़ता है, वो इंडियन नंबर गाड़ी थी ये कनाडा नंबर, शायद इससे भी होता हो, अलग अलग रहा होगा। चलो मैं तुम्हें दिखा तो देखो, सेम वही रूट है जैसे मैंने भाई का दिखाया था लंदन वाला जो रूट था, बस वही है रूट पूरा वही है, पाकिस्तान तो चलो सरदार जी है शायद, सरदार जी हैं तो उन्होंने पाकिस्तान भी ऐड किया हुआ, क्योंकि कनाडा वाले पाकिस्तान जा सकते हैं, इंडिया वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पाकिस्तान ईरान तुम देख सकते हो, टर्की बल्गेरिया सर्बिया हंगरी
और ये पूरा अपना रूट देख, यहाँ से पता नहीं इन्होंने कुछ रीज़न रहा होगा जो इन्होंने ऐसे क्रॉस किया हुआ है, लेकिन ये कुछ रूट रहता है यार। इन सबको देख देख के ना मेरा भी असल बड़ा मन कर रहा है, मैं भी निकल जाऊँ अपनी गाड़ी से ना फिर बाहर, वीजा वीजा जुगाड़ करके। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब अगर हम फोर्ड ब्रोंको की बात करें, ठीक है, ये जो गाड़ी है ना, बता दो तुम लोगों को थोड़ा जानना होगा गाड़ी कौन सी है, फोर्ड ब्रोंको है, कितना सीसी, क्या लीटर इसका इंजन का सीन है, तो ये 2.7 लीटर ओनर नहीं रहा था बस भाई को पीपीएफ से रिलेटेड, मतलब इतना अपना जो काम था वो भाई ने कर दिया है, तो गूगल में V6 भी दिखा रहा है, पर हम जब यहाँ देख तो 4 सिलेंडर दिख रहा है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये तुम लोग जरा बताना। 2022 मॉडल फोर्ड ब्रोंको है ये, ठीक है। और भाई एक चीज मैं देख रहा हूँ इसका जो एक हम लेंथ देख रहे हैं ना, अब मैं इन रियल अगर बात करूँ जनता के सामने भी, तो ये मुझे थोड़ी सी रैंगलर टाइप शेप में लग रही है, और रैंगलर इसकी रैवलरी भी मैंने सुना है, रैंगलर नहीं, मेरे को पर्सनली ये थोड़ा डिफेंडर वाली वाइब आ रही है इससे, डिफेंडर वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट डिफेंडर वाला है, मतलब डिफेंडर ने कॉपी किया है। यस, डिफेंडर ने इसको देखो ये प्रॉपर वही एलंकी स्टडेड ग्रैब हैंडल्स जो है इसके, ये वाला प्रॉपर, ये सारी चीजें एज इट इज रैंगलर वाली, ओ सॉरी डिफेंडर वाली वो है, पर सॉफ्ट टच नहीं है ना, सॉफ्ट टच नहीं है, डिफेंडर का भी ऐसा ही है, डिफेंडर में थोड़ा सॉफ्ट टच मिलता है। अगर लोडिंग लेते हैं ना, नहीं ये नहीं, इसकी नहीं बात कर रहा मैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ग्रैब हैंडल की बात कर रहे हो आप। सेम एलंकी स्टडेड उधर वाला, ये सेम आर्मरेस्ट हो गया। अरे वाह। और लेकिन चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड ड्राइव। और सबसे बड़ी बात, हाँ? इसका लोगो देखो ब्रोंको का, सेम डिफेंडर ने कॉपी कर रखा प्रॉपर। अच्छा, पता है ब्रोंको पहले आएगी, डिफेंडर अभी आई, ये है ये वाले। पर ओके, ऐसा क्यों लग रहा है गाड़ी यार, गाड़ी में थोड़ा स्पेसर, मतलब स्पेसर वगैरह भी लगा हुआ है इसमें। नहीं, कुछ ही लगा, स्टॉक है, एवरीथिंग स्टॉक। तुम यार जरा देख सकते हो, सॉफ्ट टॉप भी है, प्रॉपर कन्वर्टेबल हो सकती है, एंड यहाँ से, अच्छा यहाँ से लुक ही लगता थोड़ा सा रैंगलर टाइप का, इधर से अगर पीछे से देखे, इधर से थोड़ा सा रैंगलर वाली वाइब आती है, लेकिन डिफेंडर रैंगलर दोनों की वाइब है। तो ये तुम लोग जरा बताओ ऑडियंस यार, ये क्या सीन है इधर का, ठीक है। अच्छा एक बार इसको जरा खोल के देखें क्या, अरे वाह, ये तो थोड़ा सा थार टाइप बोल सकते हैं एक तरीके से, पर इसके अंदर मुझे टेल लाइट बड़ी प्यारी लग रही है यार। टेल लाइट सी बहुत है ये, आफ्टर मार्केट है क्या ये? नहीं नहीं, कंपनी वाली है, मैंने भी क्वेश्चन किया था कि आफ्टर मार्केट है, हाँ? बट ये कंपनी वाली है। तो हम तो देखते हैं ताइवान मेड, थोड़ा वैसा वाइब दे रही है ये, वाली वाइब है। ओके आओ यार। अच्छा कॉशन लेफ्ट एंड राइट बहुत सही है, तुम जानते हो कार्नेट से ये गाड़ी आई है यहाँ पे, है ना, तो इन्होंने कितना टाइम का कार्नेट लिया, कुछ बात हुई ऐसी? एक्चुअली 2021 से ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, और जब से प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑल वीजा एंड ऑल फॉर्मेलिटीज। मैं एक स्पेशल इनके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि इन्होंने किसी भी वीज़ा और किसी भी एजेंट को हायर नहीं किया। अच्छा, जो भी किया है इन्होंने, पूरा इनका ट्रिप सेल्फ मेड है। अच्छा, प्रॉपर पर कंट्री, पर जो भी अपना एम्बेसी वगैरह में कॉन्टेक्ट होता है, इन्होंने पर्सनली खुद किया है, और सारे अप्रूवल्स, पासपोर्ट, वीज़ाज, एवरीथिंग, परमिशन सब इन्होंने खुद लिया है, किसी एजेंट की हेल्प नहीं, कुछ नहीं किया। और भाई ये बात है कि मतलब 1-1.5 साल लग जाता है पूरा परमिशन लेने में? लगता नहीं है, वो इनका थोड़ा कोविड के बाद इन्होंने ट्राई किया था, तो उसका बिजनेस भी होता है, काफी चीजें हैं, मतलब प्रोसेस में टाइम नहीं लगा, लेकिन ये खुद से किया, मतलब उन्होंने, अच्छा 21 से मतलब ट्राई कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए। अच्छा, पर ये भी सुना साथ साथ कि कनाडा से इंडिया थोड़ा सा भी रास्ते थोड़े, फ्लाइट का तो हमने सुना था, बाय रोड का तो मैंने देखा एक और बंदा शायद कनाडा से आया इंडिया, हमने वहां पे देखा कि हाँ शायद से इतनी दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल में मतलब कोई ऐसी दिक्कत बाय रोड नहीं है, जैसे हमने बाय एयर तो सुना है कि हाँ एंट्री रोक दी गई थी, हो सकता है, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जैसे कुछ जगह है जहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान वगैरह हो गया, वहाँ पे इनको वो जरा बताओ ऑडियंस को। अच्छा, सिक्योरिटी मिली थी आगे पीछे की, भाई कोई सेफ रहे फॉरेनर्स, मतलब टूरिस्ट के लिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मिलती है, बहुत खतरनाक एरिया है वो। ये देखो भाई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अल्टीमेट टेबल वगैरह में फोर्ड की बैजिंग आती थी ना, वो थोड़ी फीकी सी लगती थी, ये बिल्कुल मैसिव एक थोड़ा रेड है, ये चीज है यार, बता दो तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करो, लोग देख रहे हो इसका, ओए मैसिव भाई,
बहुत सही यार, वीडियो में आगे बढ़ने चला। मैं तुम लोगों के लिए यार पाजी के लिए, सानी पाजी के लिए लेके आया इन्वॉल्व का रेन फॉरेस्ट गोल्ड लीफ कार परफ्यूम। लिटरली यार देखो, ये जो परफ्यूम है ना, पहले मैं तो बताया था इसके बारे में, इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी ज्यादा इंटेंस और रिच है ना। बाकी यार इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पे ना टैग लगा दिया इन्वॉल्व का, अब इस पे ना दो से तीन बार हम जरा स्प्रे करते हैं अपने इन्वॉल्व का गोल्ड लीफ परफ्यूम को, एंड इसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा स्मेल करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, मतलब लिटरली मॉर्निंग फ्रेशनेस वाली स्मेल है इसकी यार। और तुम्हें एक तरीके से फील होगा तुम ना गार्डन में पहुंच चुके हो। लिटरली ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में है, मतलब अलग ही स्मेल लगती है यार। और इसमें ना एक्सपेंसिव ऑयल्स यूज हुए हैं। तो इन्वॉल्व अपने परफ्यूम में काफी बेहतरीन बेहतरीन यार, मतलब कलेक्शन तो है इनके पास, स्मेल्स इनका वैरायटी तो काफी है, एंड काफी रीजनेबल भी होता है। क्यों? क्योंकि तुम मेरा डिस्काउंट भी यूज करते हो, कूपन कोड मीर, इससे तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि यार अंश भाई ये शानी भाई को दे, ठीक है, कि उनको थोड़ा सा इंडिया की तरफ से थोड़ा गिफ्ट, छोटा मोटा गिफ्ट लेकिन अपने हिसाब से। तो अपने तो इन्वॉल्व परफ्यूम बाय करो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। मेन चीज क्या है, मैं ना इस गाड़ी को बाहर लेके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार भाई ने बोला है कि पीपीएफ हुई है, एंड भाई पीपीएफ जस्ट होने के बाद क्या सीन होता है, मतलब आप जरा वही बता दो। जब तक पीपीएफ हुई है तो 2-3 दिन हमें इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ताकि इसके जो एजेस होते हैं वो बाहर ना निकले, और अगर निकले तो उसको एज इट इज बिठा दी जाए ताकि डस्ट वस्ट ना पकड़े। ओके ओके, जैसे अगर गाड़ी को बाहर निकालेंगे हाँ तो रोड पे डस्ट जो होगी अगर भगाएंगे तो फिर वो डस्ट ना एजेस पे आ जाती है, फिर वो कट करना पड़ता है उसको। तो मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए ही चाहिए, बेटर है कि इसको 3-4 दिन खड़े रखो, खड़े रखो। हाँ, तो इसलिए हम बाहर लेके नहीं जा रहे। बाकी यार तुम देख सकते हो ऐसा कुछ इंटीरियर है, ये कुछ अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है, पूरा टच है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एप्पल कार प्ले से लेकर एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ। फीचर चेक करते हैं एक बार, ड्राइव रेजिस्टेंस, अरे वाह ठीक है बहुत सही, जोन लाइटिंग भी दिख रहा था, एक बार देखते हैं सर फीचर्स में यार। जोन लाइटिंग क्या है ये, इधर की एमएन साइड का कुछ है करना जरा इसको। अच्छा ये आगे की एंड साइड की लाइट्स है ना, हम देख सकते हैं शायद आपने कभी ब्रोंको देखी पहले, कभी बाहर बाहर टूर गए तो देखी होगी, मैं शायद दुबई में अगर है तो देखते हैं आने। हाँ, पर फर्स्ट टाइम ब्रोंको में बैठ के कैसा लगा ये भी बता दो साथ साथ, कैसा मतलब मुझे तो सेम वो डिफेंडर वाली फील आ रही है। हाँ, ये सबसे मेन चीज गोट मोड दिखाते ना जरा, इको में हो गया एंड स्पोर्ट्स, तुम देखते ना स्लिपरी, अरे वाह भाई बहुत सही, शिफ्ट 4x4 हो गया, मतलब सीधा 4x4 भी लग जाएगा मड के लिए, ठीक है, एंड इसके आगे सब कुछ है। आपने इनसे पूछा कि ओपन करके लेके आए गाड़ी ऐसे, काफी जहाँ पे वेदर अच्छा था उन, बहुत सही यार। अच्छा और कुछ इस बारे में अगर आपको बताना चाहते हो जो आपको लग रहा है मिस कर रहे हैं वीडियो में, स्पोर्ट का जैसे फोन्स वगैरह रखने के लिए कितनी अल्टीमेट स्पेस है, मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखी। नहीं बिल्कुल, बनाया भी अच्छे से किया है ना, एक स्पेशियस और एक ह्यूज लुक आ रही है जब हम चला रहे हैं, तो एक मतलब एक हैवी बल्कि लुक रोड पे कुछ चल रहा है। बाकी तो मजा तभी आता जब यार हम इसको बाहर ले आते ना, पर वही अगर आज नहीं हो पा रहा, अभी हम प्लान कर रहे हैं ऑफ रोडिंग का प्लान कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 वीक और 10 डेज के बाद हम एक रैली लेके चलते हैं पूरी गाड़ी होगी। अच्छा पर ब्रोंको नहीं होगी उसमें? नहीं ब्रोंको भी होगी, ब्रोंको भी होगी, ब्रोंको अपनी थार जो हमने रैंगलर किट लगा रखी है वो, सही में, अरे वाह, और मेरे वाली एवरेस्ट 10-15 बढ़िया गाड़ी लेके चलेंगे। चलो डन, ये तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यार मतलब वीडियो को शेयर करना है, एंड अगर वीडियो अपनी हिट गई, रील जो इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन कर दी तो नेक्स्ट डे चलेंगे। नहीं रील में तो प्यार काफी ज्यादा दिखाएगी, पर 10 मिलियन का नहीं पता, ठीक है रील तो चलो ठीक है, लेकिन वीडियो में तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना है। एंड बाकी यार इससे ज्यादा पॉइंट्स में क्या ही बताऊं यार, बाकी चीज तो यार जो ओनर होते तो और मजा आता है ना, और बातें करने मजा आता। इस वीडियो से ना मोटिव तुम लोगों को दिखाना यही था कि यार देख लो एक और भाई ऐसे जो कनाडा से इंडिया आए हैं यार, वो भी फोर्ड ब्रोंको में है ना। बाकी थोड़ा चलाते हैं हम तो अच्छे से पता ब्रोंको की पावर ऑन रोड कैसा है, ऑफ रोड कैसा, सुना बहुत है, लेकिन ठीक है जितना हम बता पाए उतना यही है। थोड़ा माफ करना अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहे हो, ठीक है, बाकी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। यू गाइस नो इट कि हम हर 2 दिन में कुछ ऐसा क्रेजी एपिसोड लाने की तुम लोगों के लिए कोशिश करता हूं मैं, कि यार तुम लोगों को मजा आए, कुछ यूनिक कंटेंट मिले, तो सपोर्ट ज्यादा से करना है। बाकी एक आध गलती अगर मिस हुआ तो उसको नजरअंदाज करते हो, आगे चलते बनेंगे गाइस, ठीक है, एंड करते इस पूरे एपिसोड को। मैं भी ही कहता हूं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। भाई एक बार ऐसे हो जाए,
साइनिंग आउट।